हमारे ये मौजूदा दौर में जहां हमारा देश तीसरी लहर से जूझ रहा है, तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की आर्थिक नब्ज को टटोलते हुए आज अपना चौथा बजट देश के समक्ष पेश किया। नागपुर के हमारे चुनिंदा वित्तीय विश्लेषकों की नजर में इस बजट में क्या मायने हैं और कैसा होगा हमारा आगामी वित्तीय वर्ष 2022-2023 का बजट, आइए जानते हैं वीकेबी न्यूज की इस खास पेशकश में। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज यूनियन बजट 2022-23 लोकसभा में पेश किया। ये फॉरवर्ड लुकिंग, इंक्लूसिव और प्रोग्रेसिव बजट जैसा दिख रहा है और इसके अंदर काफ़ी सेक्टर्स को कवर किया गया है। हेल्थ केयर को कवर किया है, एजुकेशन को किया है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की बात की गई है और PLI स्कीम में इंसेंटिव, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव देके जॉब क्रिएशन और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने की बात की गई है। ओवरऑल MSME को एक साल क्रेडिट लाइन एक्सटेंड की गई। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो पिछले दो साल से पैनडेमिक के कारण प्रभावित थे, उनके लिए क्रेडिट लाइन एक्सटेंड की गई है और ये जो बजट है ये इससे काफ़ी अपेक्षाएं थी सभी वर्ग के लोगों को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिडिल क्लास इसमें कुछ नहीं मिडिल क्लास को मिला है। एक इनकम टैक्स स्लैब एग्जम्पशन का वो बढ़ाने का जरूर विचार, मतलब एक्सपेक्टेशन था उसको बढ़ा के 5 लाख करने का, लेकिन वो नहीं किया गया है। और जनरली व्यापारियों के लिए भी इसमें बजट में कुछ खास मिला है ऐसा नहीं लग रहा है और व्यापारियों को ये उम्मीद थी कि इनकम टैक्स जो कॉरपोरेट टैक्स है, कॉरपोरेट इनकम टैक्स है, उसी की दर पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरीशिप पे फर्म पे लागू की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन स्टार्टअप्स को बूस्ट दिया देने की बात है। ग्रोथ रेट जो है 9.5% पे रहेगा, ये बोलना और इसको अचीव करना काफ़ी एम्बिशियस लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट करना और वो बाद में नहीं डिलीवर हुआ तो अकाउंटेबिलिटी भी मार्क होना चाहिए। और ओवरऑल ये बजट को अगर रेटिंग दी जाए तो 10 में से 6 रेटिंग में हमारी तरफ से ये बजट को दी जा सकती है। धन्यवाद। लव यू दीपिका। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।